ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी मित्रों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। हम आपको आपके घर में पड़ी हुई साधारण से दिखने वाली वस्तु, जिसको आप सभी कोई महत्व भी नहीं देते होंगे, उसका एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताएंगे, जिसको करने से घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी आएगी। मान सम्मान यश कीर्ति आपको सदा प्राप्त होती रहेगी। बताए जा रही विधि को, बताए जा रहे मंत्र से यदि घर की ग्रह लक्ष्मी ग्रहणी करती है, तो सदा घर में धन दौलत की वर्षा होती रहेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, लेकिन कुछ गिने चुने व्यक्तियों की ही ये इच्छा पूर्ण हो पाती है। आज हम आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने का रामबाण प्रयोग लेकर आए हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि आज का ये प्रयोग आप श्रद्धा, निश्चय और भक्ति के साथ विश्वास रखते हुए करते हो, तो कुछ ही दिनों में आपका घर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। आज के इस दिव्य प्रयोग के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने से पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सर्वप्रथम जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मित्रों, यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो वहां पर भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइक करना तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिस साधारण सी दिखने वाली वस्तु, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसका महत्व इतना है कि यदि हम गलती से भी उस पर पांव रख दें या हमारे पांव से छू जाए, तो लक्ष्मी तुरंत घर छोड़कर चली जाती है। उसका अपमान लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। मंदिर आदि सभी तीर्थ स्थानों पर हम उसको अपने मस्तक तथा आँखों से लगाकर अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वह वस्तु जो लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, साधारण से दिखने वाली वह वस्तु है झाड़ू। आज का ये प्रयोग झाड़ू पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू लगाते समय आप इस दिव्य मंत्र का जाप करें, तो आपके घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी प्रवेश करेगी, आपका मान सम्मान सदा बना रहेगा और यश और कीर्ति में सदा वृद्धि होती रहेगी। झाड़ू तो हर गृहिणी सुबह शाम प्रयोग करती है। झाड़ू लगाते समय आप मन में ये संकल्प करें कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में दुख दरिद्र रोग शोक झाड़ू के साथ गंदगी के रूप में बाहर निकल रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी झाड़ू रूपी अस्त्र से आपके घर से सभी दुख दरिद्रों को दूर कर रही है। और झाड़ू लगाते समय अपने मन में इस दिव्य मंत्र का जाप करें। सर्व बाधा विमुक्त देवी धन धान्य सुतवंदिता मनुष्य मत प्रसादन भविष्यति नाशयस्या। इस मंत्र के जाप से जहां आपकी सर्व प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, और वहीं आपको धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, और भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और आपको कोई संकट नहीं आएगा। प्रयोग की सत्यता जब आप करोगे, तो आपको उसका पूर्ण प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, करने से ही सत्यता का ज्ञान होता है। तो आज से अभी से ही इस प्रयोग को करें, और कुछ ही दिनों में आप अपने घर में परिवर्तन
स्वयं ही महसूस करोगे। तो करिए, करोगे तो ही सत्य को जान पाओगे। मित्रों, यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी इस प्रयोग को कर सुखी व संपन्न हो सके।